हे ईश्वर हे दाता, हमको दिखलाना राह सही। हम हैं हे नादान पथिक, इस पथ में ना आए बाधा कोई। हे ईश्वर हे दाता, हम भी जाने हम भी समझे, जीवन की सच्चाई को हम ऐसे पर जाए, मानव की भलाई हो। हे ईश्वर हे दाता, हमको दिखलाना राह सही। दया तेरी हम पर हो, इतना तो परम करना। सुख में हो जीवन में, आने वाला फल रखना। हे ईश्वर हे दाता, हमको दिखलाना राह सही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सहरा। सिर्फ संगीत की बात, नो टाइम पास। जैसा कि आपने अभी एक बहुत ही सुंदर प्रेयर की कॉम्पोजिशन सुनी, उसी प्रेयर को आज हम कीबोर्ड पर सीखने की कोशिश करेंगे। सीखने से पहले मैं आप सभी को इस प्रेयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। ये प्रेयर मेरे गुरुजी मिस्टर धर्मेंद्र सचदेवा जी ने ही लिखी है और इसको कंपोज भी किया है। जैसा कि आपने अभी इस प्रेयर को उन्हीं की आवाज में सुना है, अब मैं इस प्रेयर को आपको कीबोर्ड पर सिखाने की कोशिश करूंगा। इस प्रार्थना में खमार थाट का प्रयोग हुआ है और हम इसको पहले काले से सीखने की कोशिश करेंगे। आप चाहे तो इसका स्केल अपनी वॉइस के अनुसार चेंज कर सकते हैं। इस प्रार्थना में सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग हुआ है और नी स्वर कोमल प्रयोग हुआ है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, फर्स्ट लाइन, हे ईश्वर हे दाता, हमको दिखलाना राह सही। एक बार फिर से देखेंगे फर्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन जो है वो भी बिल्कुल सेम फर्स्ट लाइन की ट्यून पर ही बजेगी। फिर से एक बार देख लेंगे। तो ये हमारी स्थाई कंप्लीट हो गई है। बहुत ही आसान कॉम्पोजिशन है, मुझे आशा है आपको जरूर पसंद आएगी। अब हम चलते हैं अंतरे की तरफ, अंतरे की फर्स्ट लाइन।
हम भी जाने, हम भी समझे जीवन की सच्चाई को। फिर से एक बार देखेंगे, काम ऐसे कर जाए मानव की भलाई को। ये सेकंड लाइन की ट्यून भी अंतरे की फर्स्ट लाइन की ट्यून से बिल्कुल मिलती है। एक बार फिर से हम देख लेंगे, इसके बाद फिर से स्थाई हमारी रिपीट हो जाएगी। तो इस प्रकार ये ट्यून हमारी कंप्लीट हो गई है। बहुत ही आसान ट्यून है और इसके बाकी अंतरे सेम फर्स्ट अंतरे की ट्यून पर ही बजेंगे। मुझे पूरी आशा है आपको ये ट्यून जल्दी ही समझ आ जाएगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप चाहें तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस चैनल पर भी समय समय पर मैं संगीत से जुड़ी नई नई जानकारियां देता रहता हूं। इस प्रार्थना के लिरिक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं और वीडियो में भी आपको दिख रहे हैं, और इस प्रार्थना की नोटेशन भी मैंने आपको वीडियो में दे दी है। तो दोस्तों, इसी तरह अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए, ताकि मैं और नए नए वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी ला सकूं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।